गरीदा फारूकी और अथर काजमी की शो में तकरार, अथर काजमी ने गरीदा को चुप करा दिया। ट्विटर पर एक सारिफ ने निजी टीवी के शो की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें सीनियर तजियाकार इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर तबसरा कर रहे हैं। फरीदा फारूकी कहती हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोग नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार आवाम हैं। उनका ये लॉन्ग मार्च फेल हो चुका है, जिस पर अथर काजमी ने सवालात की भरमार लगा दी। सीनियर तजियाकार अथर काजमी ने पूछा कि इस्लामाबाद में पहले कभी इतनी पुलिस नहीं आई, सूबाई पुलिस और FC को भी बुला लिया गया, रेंजर्स भी वहाँ तैनात है, फौज को बुलाने की भी तैयारी कर ली गई है। जब लॉन्ग मार्च में लोग नहीं हैं तो इतनी तैयारी क्यों की जा रही है? क्या सिर्फ 2000 लोगों को रोकने के लिए इतनी पुलिस रेंजर्स है, या वो शायद कोई और लॉन्ग मार्च है जिसे रोकने के लिए इतनी तैयारियां की जा रही हैं? अथर काजमी ने पूछा कि अगर लॉन्ग मार्च के साथ कोई बंदा नहीं आ रहा तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों कर रहे हैं, इन्हें किस बात का खौफ है? अथर काजमी ने PTV को मशवरा भी दिया कि वो फैसल वावडा का पूरा इंटरव्यू दिखा रहे थे, अब लॉन्ग मार्च भी कवर करें और दिखाएं कि तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च में आवाम नहीं है। याद रहे कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज चौथा रोज था। कप्तान का लॉन्ग मार्च आवाम का समंदर लिए अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। PTI का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।